13 सितंबर को मनजोत सिंह की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल रिलीज होने वाली है। हम आपको बता दें कि मनजोत सिंह को फिल्म ओए लक्की लक्की में बेस्ट डेब्यू एक्टर कैटेगरी फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड मिला है। मनजोत अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल को लेकर काफी एक्साइटेड है। आपको अच्छा लगा ट्रेलर? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा ट्रेलर को एकदम से। और आई थिंक जब अच्छे लोगों की टीम एक मिलती है, उनकी वाइब मिलती है, तो आई थिंक सब अच्छा होता है। और यही ड्रीम गर्ल के साथ हो रहा है। बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, सब प्यारे लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। और नया कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं। और आई होप ऑडियंस को बहुत मज़ा आए। 13 सितंबर को फिल्म आ रही है। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा कैरेक्टर बड़ा ही प्यारा सा है। उसका नाम है स्माइली, हमेशा खुश रहता है। और ये आयुष्मान खुराना के साथ बचपन से हम दोस्त रहे हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले कूदे हैं। और ये जब भी एक जो स्पेशल टैलेंट है आयुष्मान खुराना के पास की वो फीमेल वॉइस में बात करते हैं, तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी है, तो उस प्रॉब्लम पे हंसने वाला भी मैं ही हूँ और उनके साथ खड़े रहने वाला भी मैं ही हूँ। तो वो एक उस तरह का एक कह सकते हो थोड़ा सा नॉटी दोस्त है जो साथ रहता है और प्यार बहुत करता है। आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाए खुद को? मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ। कभी भी जब मैं कोई फिल्म करने जाता हूँ कि मैं यार अपना कैरेक्टर मैं भूल जाता हूँ, बेशक मैं अपने आप को कर भी रहा हूँ तो भी मैं भूल जाता हूँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि कैरेक्टर ये है, इसको ऐसे बिहेव करना है, इसको ये पहनना है, उसको इस तरह चलना है, बात करनी है, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। इसलिए हमारी वर्कशॉप्स होती हैं हर 15-20 दिन की फिल्म स्टार्ट होने से पहले, तो ये चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। और इसमें आप देखोगे, जो अगर आप ड्रीम गर्ल में देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो लकी वाला फुकरे वाला लाली है या लकी है, ये ड्रीम गर्ल वाला स्माइली लगेगा आपको। थोड़ा डिफरेंट शेड है इसमें मेरा और लोगों को आई थिंक पसंद आए मेरा काम। आयुष्मान खुराना और नुसरत के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही मैं तो पहले से भी एक काफ़ी बार मिला हूँ उनसे, और इस बार मुझे मतलब नुसरत से भी मैं मिलता रहता हूँ, आयुष्मान से भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिला सेट पे, तो मुझे था कि उनका बधाई हो और अंधाधुन हिट हो गई है, तो हाँ। मुझे नहीं पता था कैसे रिएक्ट करेंगे, तो क्योंकि जब 100 करोड़ की फिल्म में आए तो, बट जब मैं सेट पे पहुंचा मतलब मुझे ऐसी कुछ फील ही नहीं आई कि यार नहीं, मतलब वी वर लाइक ब्रदर्स, हम भाई की तरह रहे, साथ खाए पिए, शूट किया, फन किया, ऐश किया, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। बहुत कुछ सीखा मैंने। वो बड़े पंक्चुअल हैं और मैं कई बार लेट हो जाता हूँ, तो मुझे लगता है यार नहीं यार, पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। आप और एक्टर अच्छे हो तो और रिस्पेक्ट होती है, तो मैं एक्टर अच्छा हूँ वो रिस्पेक्ट मिलती है, पंक्चुअल वाली वो अभी गेन करनी है मुझे। फनी यार पूरी फिल्म ही फनी है यार, ऐसे मतलब मैं ऐसे बताने चाहूँ तो मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। तो पूरी फिल्म बहुत मज़ेदार बनी है। जब मैंने नरेशन लिया था मैं हंस हंस के पागल हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि उतना जो ट्रेलर में अभी लोगों को प्यार दे रहे हैं, जो हंस रहे हैं लोग ट्रेलर देखे, वो 10% है, अभी 90% तो लोग पागल होने वाले हैं। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? अपकमिंग मेरा एक फिल्म मैं कर रहा हूँ अक्टूबर में, पर उसका अभी टाइटल कुछ डिसाइड नहीं है और स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो आई थिंक जल्दी ही अनाउंस करेंगे वो। या मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जस्ट अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखो प्लीज़। अपना आसपास की अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखो, प्लास्टिक मत यूज़ करो, क्योंकि आप तो जीलोगे बट आपके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में। और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, बस दो चीज़ें मैं हमेशा चाहता हूँ, एक अपना एनवायरनमेंट का ख्याल रखो और अपने एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो प्लीज़। फिल्म को लेकर हाँ, 13 सितंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म, और जाके देखिए, और 13 सितंबर को आपको ड्रीम गर्ल मिलेगी और आप फिर उसके साथ जो मर्ज़ी करो घर ले जाओ।